आज जो है नाइट में 12 बजे के बाद जब पूरी बिल्डिंग में सब सो चुके होंगे तब ये एक सिंगल कैंडल लेके पूरे फ्लैट घूमेगी। 14 फ्लैट खाली पड़े। अरे 1.5 फुटी पूरा आधा घंटा लगा के आई है। आधे घंटे तक खड़ा हुआ कह रहे थी छाट रही थी एक एक टमाटर छाट के लाई क्या बाजार में इकट्ठा ऐसे रख के घुमाया इसने मेरे को और ऊपर से साला मैं इतना बोझ लेके बैठ खड़ा हुआ हूँ और ये चूड़ियाँ खरीद रही है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे ही होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग हम कर रहे हैं शाम से स्टार्ट क्योंकि आज पूरा दिन थोड़ा सा काम में व्यस्त थे। तुम यहाँ पे पसरे हुए हो, तुम्हें पता नहीं कि परसों घर में क्या है? क्या है? पार्टी है घर में। पार्टी में घर में पार्टी है? अरे पार्टी मेरे को ही नहीं बुलाया तुमने, घर में पार्टी है? पार्टी मीन्स वैसी पार्टी नहीं है। फिर क्या ऐसी पार्टी है? चौकी है, तुम्हें पता नहीं है माता की? अच्छा, माता की चौकी है। हाँ, तो तुम यहाँ पे सामान सुमून लेकर आना है, ये सब भूल गए हो क्या? सामान मैं ले आऊंगा, सुमून तू ले आई हो, ठीक है? तो सामान लाने के लिए भी तुम्हें सुबह से ले गए शाम कर दी है, कल फिर वैसे ही व्यस्त होंगे। अभी मैं कितना कवाड़ा बेच के आया हूँ मुझे पता है। कवाड़ा बेच के आया आज गाइस, मैंने फुल्ली कवाड़ी वर्क किया है। दुनिया भर का कवाड़ा जो घर में भरा पड़ा था ना, प्लास्टिक, लोहा, रद्दी, गत्ता, पेपर, सब बेच के आया हूँ मैं। एक एक सामान बेच दिया, साबुनदानी से लेके मग्गा, मग्गे से लेके ब्रश और टूथपेस्ट सब बेच आया मैं। अच्छा, इन्होंने सब बेच दिया है तो बचा क्या? एक कवाड़ अभी भी बचा है मेरे घर के अंदर, वो बिकाऊ नहीं है। क्यों? वो प्लास्टिक की बाल्टियां पड़ी हैं बाथरूम में, वो नहीं बेचूं क्या? मुझे पता, तुम डबल मीनिंग बात मत किया करो। तुमने मेरे बारे में बोला था, तू अपने आप को कवाड़ मानती है। तो तुमने बोला ही ऐसे था। यार, मैं तेरे बारे में क्या क्या सोचता हूँ और तू अपने बारे में ये सब सोचती है, तो कवाड़ मानते अपने आप को। मैं सोचता था मेरी बीवी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कितनी सुशील है, और तू अपने आप को कवाड़ से कंपेयर करती है। आई डोंट लाइक इट, ये इतने सीधे हैं नहीं जितने लगते हैं। मैंने रियलिटी में बाल्टी की बात करी। नहीं, तुम झूठ मत बोलो, तुमने मेरे बारे में बात की थी। अभी चल रहे हैं गाइस, अपन बाहर थोड़ी देर में बच्चों को ट्यूशन छोड़ते हैं। ट्यूशन छोड़ के बच्चे जाएंगे ट्यूशन, हमें लाना थोड़ा सामान, थोड़ा नहीं बहुत सामान लाना। सामान हलवाई बैठेगा प्रॉपर। हाँ। खाना और कीर्तन समारोह घर में चलने वाला है, मतलब एक छोटी गेट टूगेदर, एक पार्टी जो की हमारे यहाँ होने वाली है और वो पूरी की पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज होगी हमारे घर की ही पार्किंग में। ठीक है, तो अभी हम सामान ले लेते हैं। पार्किंग तो देखी है आप लोगों ने शायद, ऐसा कल भी थी हमारी पार्किंग में किसी का था, क्या था, घर प्रवेश था, तो उन्होंने खाना पीना कल किया था, कल भी था हमारी पार्किंग में और परसों हमारा होगा। ठीक है, तो कल पार्टी की तैयारी आज कल से आज कल आज मुझे मंडी जाना है, मतलब बाजार हमारे यहाँ लगता है मंडे, बाजार जाना है मैंने। 15 किलो आलू का कट्टा, ये वो दुनियादारी सब मजदूरों की तरह अपने ऊपर डाल के लाऊंगा मैं। क्या पका हुआ आदमी है, क्या पका हुआ आदमी, कैसे कैसे काम कराते तुम। मैं यूट्यूबर हूँ यार, मेरी इज्जत करो साला, थोड़ी सी यूट्यूबर जिम्स का आसो, मेरी इज्जत करो। हद होती है, कवाड़ा बेचने के लिए भेज देते हो, वो कौन बेचेगा? ये बेचेंगे आलू की बोरी उठा उठा के कंधे पे लेके आऊंगा, बताओ। लानी पड़ेगी यार, कोई इज्जत नहीं है यार, कोई इज्जत नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ी देर में क्योंकि शाम हो चुकी है, फिर खाने पीने की भी तैयारी करनी पड़ेगी, इस वजह से अभी जो काम निपट जाए निपट जाए। ठीक है भाई, मैं आया था मेरे ओल्ड हाउस पे, कुछ जो मेरे गमले पड़े, जो पौधे पड़े हैं, उनको पानी तो बेस हम डेली दे रहे हैं, लेकिन मेरा आज जो मोटिव था ना, मनी प्लांट जो मेरा पड़ा था उसको शिफ्ट करने का था, बट मनी प्लांट आप देखो कितना घना था जिसको शिफ्ट कर नहीं पाए। उस मनी प्लांट ने पूरी जगह कवर कर रखी थी और ये पड़ा वो पूरा मनी प्लांट जो मेरे को लेके जाना था इस कट्टे में भर के, बट सारा जो है ना निकल ही नहीं पाया ठीक से। अब जो बचा है ना, ये गमला बचा है, इसको लेके जा रहा हूँ मैं, दोबारा से बड़ा होएगा। मम्मी फिर अब नीचे चले, बस ये वाला गमला ले चलते हैं, फिर चलते हैं बाकी गमले फिर बाद में शिफ्ट करेंगे। और शाम का टाइम मैं अब सब्जी बना रही हूँ और बना रही हूँ आलू मटर। मटर मैंने कम डाली है क्योंकि मेरे घर में मटर मैं और वंशी खाती है बस, और कोई नहीं खाता। और ये रहे आलू, आलू मम्मी ने कट कर दिए थे। वंशी वहाँ पे खेल रही है, क्या खेल रही है तू?
टेकेंद्री खेल रही है, मम्मी वहाँ पे टीवी देख रही है, अपना टीवी में पता नहीं क्या लगा रखा है इन्होंने, भोजपुरी क्या देख रही है, भोजपुरी कह रही है, भोजपुरी में हमरे प्यार करेला वो करी करेला हम तो हर प्यार करेला पर मजाक नहीं आ रही भाई, वो पेंट मत जाना प्लीज, और भोजपुरी मैं बस ऐसी मस्ती कर रही हूँ, हाँ मस्ती ठीक है, मस्ती मस्ती में बोल रही हूँ, ये मैं सोचने लगा कि भाई हम भोजपुरी से हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तो मैंने कहा नानी जी काफी पूछ रहे, वो भी बोलेगी का बिटिया का उलट हो कुछ ना हो, हाँ तो ये बुरा मत मानना, ऐसे मतलब चलता रहता है ठीक है, और बच्चों को अभी ये ट्यूशन से लेने हैं, उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी, अभी मैं गई नहीं क्योंकि मम्मी गई हुई थी कीर्तन में, तो मैं उनका वेट कर रही थी, और उसके बाद अभी ये ट्यूशन से बच्चे लिए, मैंने कहा चलो इतने पर सब्जी बना लेती हूँ, रोटी वंशिका सेक देगी या मम्मी सेक देंगी, मैं सामान लेने चले जाऊँगी फिर ठीक है वंशी, है ना, क्योंकि मुझे लग जाएगा टाइम, क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान लाना है इसी वजह से, क्या कह रही है, सही है मामी स्मार्ट वर्क करती है, पहले बना के रख देती है, रात को लेट आएंगे फिर लेट बनाएंगे वो लेजी वाला काम, सब्जी क्योंकि फिर मैंने इसलिए छोड़ दी, मैंने कहा चल सब्जी मैं छोड़ जाती हूँ, रोटी फिर कोई भी बना लेगा, मामी सबसे महान, मामी जिंदाबाद, पवन नहीं है, टिंग 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 क्या लाया है, इतनी सारी आइसक्रीम में पैक कराई है, ये बोल ही रहा था कल रो नहीं रहा था, ये कल रो रहा था ना, ये इस वाली आइसक्रीम के लिए इसलिए लाया ये, चलो तुम्हारी नहीं, इसको ओपन करके देखिए इसके अंदर क्या है, ये दोनों ना अपने अलग अलग लेके आए, वो चॉकलेट लाया हुआ, अब इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, कौन सी है वो पता चल जाता, ये वनीला है, कैसे पता लगता है बेटा, इसका थोड़ा ऐसा बड़ा होता है, ये चॉकलेट, ये किसकी है, ये तुम्हारी है, तुम्हारी खा लो, अब तू देख वो कौन सी स्ट्रॉबेरी है, ये वनीला नहीं स्ट्रॉबेरी नहीं है, खोल के देखिए, ये खोल के देख, स्ट्रॉबेरी लाया है, ये तुम्हारी है, ये मेरी वनीला, दिस इज योर्स, ये उसकी है, चॉकलेट भी तो दे दो वापस, लक्ष्य की, लक्ष्य अपनी ले ले, मैंने नीचे से फोन खा लिया, तू तो पागल है, उल्टी उल्टी खाती, उल्टा ही काम करती है तू, ये कह रहा था 10 रुपए का चॉकलेट डिप करता है, मतलब चॉकलेट वाले मैं ऐसे डुबोता दे देता है, मैं तो यहाँ पे एक आइसक्रीम और खा ले 10 रुपए की, पागल है, क्यों चॉकलेट में 10 रुपए वेस्ट कर रहा है, ये यही खाता है, सबकी आइसक्रीम आधी आधी खत्म हो गई है, फॉइल पेपर निकालने में लगा पड़ा है, जब मैं तरह से कह रहा बेटा चॉकलेट डिप बन लिया कर, अच्छी होती है यार, मेरी दिल जाती है भी। मामा आइसक्रीम का बिजनेस शुरू कर दो, ठेला लगा लो आइसक्रीम का, अपने अच्छा बेचना यूट्यूबर है ना, आपके सब्सक्राइबर 4 दे दे के महंगी भी करें, जिम्स कास बार चौको बार की जगह जिम्स कास बार, जिम्स कास वनीला, ये तो चलो गाइस अब इसको खा पी के ना आइसक्रीम को अपनी अपनी निकलते हैं अपन लोग शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, और आप देखोगे जिम्स का उसको गधा मजदूरी करते हुए, मतलब गधा मजदूरी क्या करके गांव में अपना, मैं वैसे भी काम धाम में इन सब चीज़ों में कोई शर्म नहीं करता, पता है लोग कहते हैं यार मैं नहीं ला रहा, मैं कंधे पे कैसे रखूंगा आटा, मैं कंधे पे कैसे रखूंगा आलू, आई डोंट केयर, मेरे को चलता है सब, थोड़ी देर में सब्जी बना के फ्री हो जाएगी, देख लेगी, चल तब तक मैं अपना वीडियो एडिट कर देता हूँ फेसबुक पर, ठीक है भाई, आलू ले लिया मैंने और हरी मिर्ची धनिया सब ले लिया है, वो मैडम ले ली है टमाटर लेने 5 किलो, दरअसल वो पूरी मंडी में ढूंढती रही टमाटर सस्ता मिल जाए सस्ता मिल जाए, आखिरी में जब नहीं मिला ना हम बाहर की तरफ आ गए, तो मैं आलू लेके खड़ा हो गया खुद ये टमाटर लेने के लिए, क्योंकि इतने सारे वजन के साथ मेरे से तो नहीं जाया जा रहा था भाई, अरे 1.5 फुट पूरा आधा घंटा लगा के आई है, आधे घंटे तक खड़ा हुआ कह रहे थी, छाट रही थी,
छाट रही थी, एक एक टमाटर छाट के लाई क्या? मेरी बाइक की हालत देखनी है, एक थैला इसके हाथ में, एक ये इतना बड़ा कट्टा, इसके अंदर 5 किलो टमाटर, 15 किलो आलू और भी बहुत सारी सब्जियां भरी पड़ी हैं। पूरा इतना बड़ा कट्टा जो है ना, मेरे को लाद के इसने पूरे बाजार में घुमाया है और खुद आधे घंटे में आई है 5 किलो टमाटर लेके। अभी जैसे मैं बाजार में घूम रहा था ना, वैसे ही अभी यहाँ पार्किंग में तुम्हें कट्टा डाल के घूमता वो दिखाता हूँ। पूरा बाजार में कट्टा ऐसे रख के घुमाया इसने मेरे को, और ऊपर से साला मैं इतना बोझ लेके बैठ खड़ा हुआ हूँ और ये चूड़ियां खरीद रही है। मतलब हद होती है, मैं इतना भारी सामान लेके खड़ा हुआ हूँ और ये चूड़ियां खरीद रही है, और उसमें मेरे से पूछ रही है देखो ना लाल वाली ठीक है, मैं मन तो कर रहा था कान पैक रख के दूं। और भाई मैं आपको बता दूं, ये जो चूड़ी मैं खरीदी थी वो आपकी मम्मी जी, हमारी मम्मी जी की खरीदी थी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी वहाँ पे 36 घंटे लगाएगी, और पहले चूड़ी खरीदती बाद में आलू खरीदती। आ गया घर चल, मैंने आ गया, तुमने मुझे डांटा वगैरह, डांटा अयो की तरह डांटा, अयो की तरह डांटा, आयु बोल अरे बस भैया बस, अरे खोल दो ओ कमली भाई, कल रात तो हम लोग सो गए बिना आप लोगों से टाटा बाय बाय किए हुए, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। बट सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ करके आज इसकी और मेरी भैंस हुई है, वो तो कल रात भी हुई थी बट कल रात ये मुकर गई, और आज इस चीज को ये कंप्लीट करके दिखाएगी, इसने एक्सेप्ट कर लिया। आज जो है नाइट में 12 बजे के बाद, जब पूरी बिल्डिंग में सब सो चुके होंगे, तब ये एक सिंगल कैंडल लेके पूरे फ्लैट्स घूमेगी, क्योंकि अभी इस बिल्डिंग के अंदर मोस्टली 16 में से 14 फ्लैट खाली पड़े हैं, और वो 14 फ्लैट्स जो है ये हाथ में कैंडल लेके या फिर विदाउट कैंडल जो है, आज ये पूरे 14 फ्लैट अकेले घूमेगी और अकेले शूट करके आएगी और मुझे दिखाएगी कि हाँ देखो मैंने ये सारे फ्लैट घूमे हैं। ठीक है, ये चैलेंज है आज इसके लिए, क्योंकि जितने हॉरर प्रैंक आज हो रहे हैं इसके ऊपर आप लोग देख ही रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ एक बार देखें लड़की के अंदर साहस है या खत्म हो गया है। एक्सेप्टेड ना, तो ठीक है भाई, आज जो व्लॉग आने वाला है, जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो जरूर देखना, उस व्लॉग के अंदर इस लड़की को जो चैलेंज मैंने दिया वो ये कंप्लीट करके दिखाएगी, और मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, आई होप आप लोगों को भी हो रही होगी। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा तो गुड नाइट तो आएगी। बाय बाय गाइस।